हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विकी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम प्रीसेट बना सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, और ग्रुप और मिक्सर पैनल की कुछ जानकारी के साथ साथ कुछ अप्लायंस का भी इस्तेमाल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिन लोगों को ये सारी चीजें सीखने का मन है तो वो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा हर एक चीज क्लियर क्लियर पता चल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यूबेस अपना ओपन हो रहा है और इसके अंदर हम अपना प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ओपन हो चुका है, ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट पे दबाएंगे, उसके बाद इसको फुल स्क्रीन करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे हमारा मोनो ट्रैक, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कोई सा भी प्लगइन्स यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे मोनो डिले यहाँ पे मैंने पुट किया, और सिर्फ मोनो डिले पुट करने के बाद यहाँ पर आप चाहो तो जितना भी मन करे उतना लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ का भी आप EQ कर सकते हो, यहाँ का EQ अगर आप जिस तरीके करोगे उस तरीके का आप सेव कर पाओगे, बट इधर का जो है सेव नहीं होता ये आउटपुट वाला, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो पहला है मोनो डिले, तो इनको अगर आपको प्रीसेट में सेव करना है, मान चलो यहाँ पर कुछ भी और भी ज्यादा चीजें लगा रहेगा, जैसे कंप्रेसर में डाल देता हूँ इसके अंदर, एंड इसके बाद जो भी इसके अंदर लगा रहेगा अगर उसको सेव करना है तो सिंपल सा इस पे क्लिक करना है प्रीसेट मैनेजमेंट पे, और प्रीसेट मैनेजमेंट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो मैंने बहुत सारा सेव करके रखा हुआ है। तो आपको सिंपल सा काम करना है, सेव के बटन सेव प्रीसेट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नाम डाल देना है। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ टेक्निकल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसके नाम से। तो अब यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये नाम आ जाएगा, देखो है ना। अब यहां से हम डिलीट करके आपको दिखाते हैं, ये डिलीट कर दिया मैंने। और डिलीट करने के बाद यहां पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से मोनो ट्रैक ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके ये आ गया पूरा हमारा जो भी प्रीसेट था बनाया हुआ। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो इसके अंदर जितने भी मैंने चीजें लगा के रखी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ का सेव करने का भी वही प्रोसेस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा जैसे आपका EQ करना है करके, और यहाँ पर सेव प्रीसेट पर क्लिक करना है, नाम डाल के सेव कर देना है। सेम प्रोसेस है, दोनों का सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास है यहाँ का, ठीक है। तो सेंड्स के अंदर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था, सेंड्स के अंदर हम किस तरीके से ऐड करते हैं। और सेंड्स के अंदर यहाँ पर अगर ऐड करना है तो सबसे पहले सेंड्स के अंदर अगर आपको ऐड करना है कुछ भी तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है। तो सेंड्स के अंदर मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से ऐड करते हैं, तो बहुत सारे लोग वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैं फिर से बना देता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे राइट क्लिक करके एड एफेक्ट चैनल ट्रैक पे क्लिक करना है, उसके बाद नो इफेक्ट यहाँ पे जाने के बाद जो भी इफेक्ट डालना है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। जो सा भी इफेक्ट डालना है वो आप आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद आप ओके कर लेना, ओके करने के बाद यहाँ पर आप अपनी सेटिंग कर लेना जो सा भी प्लगइन्स होगा उसका। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर आप इसे जीरो करते हो तो ये फुल काम करेगा, और अगर आप इसे कम करते हो तो इसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा इसकी जो है क्वालिटी घटती जाएगी, ठीक है। अगर आपको पूरा इसकी क्वालिटी चाहिए हो तो आप जीरो करके देखो, और अगर आपको उससे कम धीरे धीरे चाहिए तो आप इसको घटा के देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे है ग्रुप के अंदर, ग्रुप बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड ग्रुप चैनल ट्रैक पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल सा हो गया, और इसके बाद मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे EQ हमारा यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हमारे पास जैसे इसके अंदर हम चैनल सेटिंग ऑडियो चैनल सेटिंग ओपन करते हैं यहाँ पे प्लगइन्स डाल देते हैं, उस तरीके से यहाँ पे नहीं है, देख सकते हो इस ग्रुप के अंदर, बट इस ग्रुप में प्लगइन्स लगते हैं। तो कहाँ लगते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इंसर्ट के टैब पे, यहाँ पर क्लिक करोगे देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे देखो ये यहाँ मिल जाएगा, ग्रुप पे रहता है ये दिया हुआ, तो आपको इंसर्ट में जाना है। और इस ग्रुप के अंदर हम EQ भी कर सकते हैं,
सेंड्स भी कर सकते हैं, चैनल्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस ग्रुप्स के अंदर। तो हम यहाँ पे इंसर्ट्स के अंदर जाएंगे और इंसर्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो भी हमें डालना होगा वो हम यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। ये देखो डल गया। और इस तरीके से आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, 7-8 प्लगइन्स पुट कर सकते हो और इसका आउटपुट यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे जब ग्रुप, यहाँ पे देखो ग्रुप का आउटपुट आ गया और इसे ऑन कर देंगे और इसे अगर हम 0% करेंगे तो पूरा ग्रुप जो हमारा होगा, ग्रुप का प्लगइन, वो फुल काम करेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, पूरा काम करेगा। और अगर आप यहाँ नहीं भी प्लगइन्स पुट करते हो, सिर्फ ग्रुप से ही यहाँ पे काम चला लोगे तो वो भी हमारा हो जाता है। अब इसे अगर आप भी छोटा करना है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे छोटा करना है तो सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, ठीक है, एक्सपेंड पर, एक्सपेंड फोल्डर, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ग्रुप ट्रैक इसको भी यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट हो चुका है, ये बहुत ही शॉर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है इसे शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ तो लगाना होगा, ये हो ही गया। यहाँ पे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, ईक्यू भी कर सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, ग्रुप भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइव अगर साउंड आपको चाहिए, ठीक है, लाइव रिकॉर्डिंग के समय अगर आपको साउंड चाहिए तो सिंपल सा यहाँ पे जो प्लगइन आप पुट करते हो, प्लगइन पुट करने के बाद इस वाले वॉल्यूम पर अगर आप टैप करेंगे तो ये हमारा जो होगा लाइव साउंड देगा, जो सिंगर अंदर में गाएगा वो लाइव यहाँ पे वॉइस निकलेगा। तो ये मॉनिटर पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये लाइव हमारा वॉइस निकलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चीजें तो हो गई, शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद डिवाइस पैनल के अंदर जाने के बाद मिक्सर पर जाना है। मिक्सर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अगर जो भी पुट करना है तो यहाँ पे आसानी से आप पुट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा तो लगा हुआ है ही, आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। तो बट ये प्राइवेट सेटिंग होती है, ये किसी को बहुत कम लोगों को पता है, बट मैंने सारा कुछ बताया हुआ है चैनल पे। तो ये देखो यहाँ पे भी सारा कुछ करने के लिए है, ठीक है, और इसके अंदर भी है करने के लिए। यहाँ भी हम करते हैं, यहाँ मास्टरिंग के लिए भी करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला प्लगइन्स डाल दिया और रिको भी, ये वाला प्लगइन्स जो है हमारा, ये बच्चा वॉयस कोरस सब कुछ में काम करता है, मिक्स कोरस देख सकते हो आप, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, रोबोट, नेचर, सी मेजर, क्रोमिक, हर एक चीज में ये काम करता है, ठीक है। तो ये एक प्लगइन्स है जो कि यहाँ पे मैंने पुट्स किया है, बट ये आपको दिखाने के लिए किया है, इसका कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी सिंपल चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वाला सारा कुछ है, कलर फोल्डर सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन करना हो तो यहाँ से जाके कलर सिलेक्शन कर सकते हो, सिंपल सा काम है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, यहाँ भी करने के लिए रहता है, और यहाँ अगर नहीं मिले तो यहाँ से कर सकते हो, देखो इसके अंदर यहाँ मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद अगर आपको यहाँ देखो मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारा जो है, अगर आपका डिवाइस, ये देखो अभी हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने पहले एक बार बनाया था, 27 मिनट का वीडियो, उसके अंदर मैंने बतलाया था, बट जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर से एक बार देख लीजिए। बट कुछ कुछ इसमें चीजें एक्स्ट्रा भी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको दबा के देखते हैं, इसके अंदर हमारा रिकॉर्डिंग पैनल अभी भी नहीं आया है, तो हम रिकॉर्डिंग पैनल जो हमारा है वो दूसरी जगह अभी ऑन है, तो सो इसके कारण भी यहाँ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बट अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो रिकॉर्डिंग डिवाइस पे, और यहाँ पे हमारा माइक्रोफोन यहाँ पे रिकॉर्डिंग ले रहा है, ठीक है। बट ये हमारा जो है रिकॉर्डिंग अभी नहीं लेगा क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। सो उसके प्रॉब्लम से नहीं ले रहा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास यह परफॉर्मेंस, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप जाओगे और किसी किसी में देखते होंगे मेरे सारे वीडियोज में ही ग्राफ जो बनता है, जो हमारी लाइनें बनती है यहाँ पे, ग्राफ जो बनती है वॉइस की, वो ब्लैक ब्लैक होती है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, सॉलिड कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, इससे चेंज हो जाता है, ये तीनों में चेंज हो जाता है। उसके बाद सेव ओके कर दोगे तो यहाँ से वो ग्राफ चेंज हो जाती है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कुछ इसके अंदर हो क्वेश्चंस तो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।